So hey, what is up everyone, this is Harshit, welcome back to a brand new video. So NPAT day 1 हो गया और जो मैंने बोला था, मैंने अपने लास्ट फाइव जो फाइव लास्ट मिनट टिप्स में बताया था वो ही हुआ. दो चीजें मैंने बोली थी, बोला था कौन सेक्शन बहुत टफ आ रहा है, लोग मुझे बोले भैया मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है मैं कर लूंगा. मैंने बोला था बहुत टफ आने वाला, मतलब लिटरली इतने मैसेज आ गए मेरे को, इवन आप जो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डालो उसमें लोग मतलब रो पड़े हैं कॉन्स की वजह से, उसकी वजह से. और एक मैंने बोला पेपर बहुत लेंदी होगा, आपसे कंप्लीट नहीं होगा लास्ट के 20-25 क्वेश्चन, आपको कुछ भी तुक्के मारना पड़ेगा कुछ भी बिना देखे, एंड वो ही हुआ. तो या ये सब हुआ. मैं इसमें देखो अब पूरी वीडियो बताता हूँ. अभी देखो स्टार्टिंग में सेक्शन वाइज जाने वाला हूँ, सेक्शन वाइज कितने मार्क्स के कौन से टॉपिक्स आए थे बताता हूँ. मैंने एक्चुअली लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको मैंने बिठाया था एग्जाम देने के लिए, उसके बाद मैथ्स नहीं थी तो एनपैट के लिए अपेयर नहीं किया. उसको मैंने बोला तू अपेयर कर, तू बैठ एग्जाम दे एनपैट का, और पूरा उसने मेरे को डिटेल दिया कि कौन से टॉपिक से क्या था. तो मेरे फ्रेंड लाइक 100 मिनट में पूरा खाली बैठो, पूरे टॉपिक डिवाइड करिए उसने कि इस टॉपिक से आया. तो मैं वही टॉपिक आपको बताऊंगा एक एक करके सेक्शन वाइज, और सेक्शन वाइज बताऊंगा क्या कितना टफ था क्या नहीं था. लास्ट में जितने भी आपके कॉमन डाउट है जो मेरे को अपने इंस्टाग्राम पे डीएम मिले और कम्युनिटी पोस्ट में मिले, वो सारे उठाऊंगा, और कट ऑफ और जो भी चीजें सेक्शन स्विच हो रहे नहीं हो रहे वो सब लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले सेक्शन वाइज चलते हैं ठीक है. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. सो गाइस स्टार्टिंग में देखो सबसे पहले कि आपका जो सेक्शन थे आप चेंज नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते, और स्टार्ट भी आप अपनी मर्जी से नहीं. आपका इंग्लिश था, रीजनिंग था, कॉन्ट्स था, जो मैंने आपको बताया ऐसे करना वैसे आया था लकीली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सबसे पहले वर्बल एबिलिटी सेक्शन की बात करूं तो उसमें 4 क्वेश्चन आपके पैरा जंबल वर्ड्स के आए थे, देन आपके 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आए थे, फिर स्पॉटिंग एरर्स के 5 क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स 1 आए थे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 आए थे, फिर लाइक 5-5 मार्क्स की तो टोटल 15 मार्क्स का. देन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग वाले एक वो लाइन देते हैं, उसमें बताना होता है कि आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग कौन से ऑप्शन, वो टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, 1 मार्क का लाइक 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का था. तो ये वर्बल एबिलिटी का डिवीजन था. तो आप आई होप लिख रहे होंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज नोट डाउन करते रहो टॉपिक. और सुनो मैंने जो अपने लास्ट 5 ईयर पेपर एनालिसिस और इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया बिल्कुल वैसे ही पेपर आया है. तो प्लीज अभी भी किसी ने नहीं देखे वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज जाके देखो. ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे सेम आए हैं, तो ठीक है वो कर लेना जरूर. और ये मैंने वर्बल एबिलिटी का बताया. और सुनो इसकी इस सेक्शन की बात करूं बहुत इजी सेक्शन आया, सबने बोला सबसे इजी सेक्शन था, और लोग ने इसे 20-25 मिनट में कर लिया. जितने भी लोग दे रहे सेकंड और थर्ड जुलाई को, मैं बस ये बोलूंगा ट्राई करना 20-25 मिनट में खत्म कर लो, उससे ज्यादा मत देना. मतलब ऑब्वियसली अब मैंने एक अपने लास्ट 5 वो लाइक लास्ट मिनट टिप्स में बोला था कि जितना टाइम लगाना और लगाना लेकिन इंग्लिश अच्छे से करना है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ट्राई करना 20-25 मिनट पे हो जाए, क्योंकि जैसा मुझे रिव्यू मिले बहुत ही सेक्शन आएगा इंग्लिश. और सुनो जितने भी पेपर है ना जो 3 डेज के सेम लेवल के आने वाले, बिल्कुल सेम लेवल के, तो ये मत करो कि इस दिन टफ आया उस दिन इजी हो जाए, बिल्कुल सेम लेवल के आएंगे, क्वेश्चन सेम नहीं होने वाले. तो लोग क्वेश्चन पेपर मांग रहे हैं, कुछ लोग भैया क्वेश्चन पेपर दे दो, क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं मिलने वाला, कैसे मिल सकता है आप खुद समझो ना. और बिल्कुल क्वेश्चन सेम वेम कुछ नहीं होने वाला, और ऐसे एनएमआईएमएस के सेट होते 3-4 सेट मिलते हैं, तो आप अगर सेम डे भी दे रहे हो तब भी आपको आपके फ्रेंड को अलग मिलेंगे जितने चांसेस है. तो ये इंग्लिश वर्बल एबिलिटी का बहुत इजी सेक्शन था, आप आराम से कर सकते हो. लाइक्स फिल इन द ब्लैंक पैरा जंप स्पॉटिंग एरर्स बहुत इजी थे, तो इसमें एटलीस्ट 40 में से जैसे मैंने बोला था 30 प्लस स्कोर करना ही, और आपका जो मैंने अब तो मेरे को एनालाइज वगैरह सब पता चलो तो बहुत इजी सीन है. तो कोई डरने की चीज नहीं, आप आराम से वर्बल एबिलिटी कर लेना, उसमें 20-25 मिनट में खत्म कर देना. मैं LR लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया के 5 क्वेश्चन आए थे, डेटा सफिशियंसी के 7 क्वेश्चन थे, टीम सिलेक्शन के 2 क्वेश्चन थे, सिलॉजिज्म के 3 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन था, ऑर्डर एंड रैंकिंग का 1 क्वेश्चन था, लीनियर एलिमेंट का 1 क्वेश्चन था, सिंबल बेस्ड के 2 क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड का 1 क्वेश्चन था, विजुअल रीजनिंग के 4 क्वेश्चन थे, और डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन थे टोटल. सो इसका मैं अब रिव्यू दूं तो ये मीडियम लाइक मॉडरेट लेवल का सेक्शन था, इसके क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी था. स्पेशली मेरे को पता चला DI का पार्ट था, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा लेंदी था, तो उसमें लोग काफी ज्यादा लोगों ने टाइम वेस्ट किया. तो आप अगर लॉजिकल अटेम्प्ट कर रहे हो एक चीज याद रखना, जितना जल्दी हो सके स्पीड ट्राई करना रखो, क्योंकि पेपर मतलब लॉजिकल सेक्शन इतना टफ नहीं था लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंदी था, तो आप देख के अटेम्प्ट कर. तो ये था लॉजिकल रीजनिंग मॉडरेट है, आप इतना डरो मत, लॉजिकल रीजनिंग के इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, हाँ लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होंगे स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन. तो आप क्या करना, पहले लॉजिकल रीजनिंग के एक्सेप्ट फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन बाकी क्वेश्चन कर लेना, फिर एंड में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ठीक है. तो ये लॉजिकल रीजनिंग का था. एंड फिर से बोल रहा हूं मेरा लास्ट 5 ईयर पेपर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, सब लोगों ने बोला भैया जो आपने बताया सेम आया है, तो प्लीज देख लो, मैं सच बता रहा हूं एक बार देख लेना, बिल्कुल जो मैंने मेन टॉपिक बताया उधर से आने वाला है. कमिंग टू
कॉन्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन, जो भाई लोगों मतलब हालत खराब लिटरली हो गई कि इसमें बहुत ज्यादा टफ आया है सेक्शन, ऐसा मुझे बताया गया लोगों से। तो मैं उसका बता दूं किसके कौन से लाइक टॉपिक के कौन से क्वेश्चन थे। तो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन के अपने 4 क्वेश्चन थे, देन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन था, फंक्शन के 3 क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक के थे 6 क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने अपने लाइक बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो में। सेट थ्योरी के 4 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 था, अप्रोक्सीमेशन का 1 था, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन थे, बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन थे, लीनियर इक्वेशन का 1 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन के 2 थे, प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन का 1 क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन थे। तो देखो इसमें सबसे पहले मैं बताऊं कॉन्स में लोगों के पास टाइम ही नहीं बच रहा था, स्टार्टिंग के 2 सेक्शन के टाइम नहीं बच रहा था, तो मैक्सिमम कॉन्स में जो लोगों ने लाइक 15 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, बाकी के लाइक 15, 20, even 25 क्वेश्चन लास्ट के बिल्कुल तुक्का मार के बिना देखे, लिटरली ऐसी मैसेज आए, बिना कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखना सब यही बोल रहे हैं, तो लास्ट के तुक्के मार के आए लोग। लेकिन ये अच्छा किया लोगों ने, जैसे मैंने बताया था अपने लास्ट मिनट टेस्ट वाले में कि कुछ भी करके आना, तो एचडी वो कुछ भी करके आया, तो अगर उनने लाइक 20 तुक्के मारे तो उसमें एटलीस्ट मिनिमम 5, 4 to 5 तो सही होंगे। तो फिर से बता रहा हूं कुछ ना है, टाइम ना बचे, कुछ भी करके आओ बिना देखे, नेगेटिव मार्किंग नहीं। फॉर एनपैट, एनपैट की बात करते हो एनलैट में जो लॉ का पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। देन हाँ यही था कॉन्स का। तो कॉन्स में मैं आपको लाइक यही सजेस्ट करूंगा कि बाकी 2 सेक्शन पहले अच्छे से कर लेना, फिर से बोलूंगा इसमें अगर अगर टाइम कम भी बचता है कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप इसमें ना ज्यादा आप देखने में वेस्ट मत करना कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख लो लास्ट के देख लो, जो क्वेश्चन सामने फर्स्ट क्वेश्चन करते जाओ, कॉन्स में इतना टाइम नहीं बचने वाला, फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक से मेन क्वेश्चन आए थे तो वो आप कर लेना, और मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो बताए वो टॉपिक्स करके जाना, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, टाइम की डिफिकल्टी आएगी। उसके लिए आप जितना जल्दी हो सके इंग्लिश सेक्शन और को ट्राई करना खत्म करने की, जिससे आपके स्कॉन्स के लिए अच्छे से टाइम बच जाए। तो नाउ सम कॉमन डाउट्स ये थे कि सबसे पहले सेक्शन स्विच करना बता दिया, आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते, आपका स्टार्टिंग का भी ऑप्शन नहीं आएगा, स्टार्ट होगा इंग्लिश से, फिर देन लॉजिकल रीजनिंग, कॉन्स मुझे लगता है बिल्कुल सही है, एनपैट वालों ने दिमाग लगाया और ऐसे दिया, और आपको ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन हाँ स्विच नहीं कर पाओगे आप। सो आप देख लेना एक बार दूसरे सेक्शन में जा रहे हो उससे पहले सारे क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है, उससे पहले आप स्विच मत कर देना वरना फिर वो गया आपका सीन। देन काफी लोग पूछ रहे हैं भैया ऐसा तो नहीं कि आज 27th को टफ आया उसके बाद नेक्स्ट डे आपको जो सेकंड थर्ड को इजी पेपर आ जाए कुछ डिफिकल्ट और अलग लेवल का आ जाए, नहीं, तीनों दिन में सेम लेवल का पेपर रहने वाला, बिल्कुल लेवल चेंज नहीं होगा, हाँ बस क्वेश्चंस चेंज होंगे थोड़े बहुत टॉपिक, लाइक अगर समझ लो स्टैटिस्टिक्स से 6 आए, ट्रिग्नोमेट्री से 4 क्वेश्चन है अपने इधर 27 में, तो अगले डेट को ऐसा हो सकता है कि थोड़ा चेंज हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा आ जाए, स्टैटिस्टिक्स से कम आ जाए, लेकिन ऐसे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, क्वेश्चन वगैरह बिल्कुल अलग आएंगे लेकिन डिफिकल्टी लेवल सेम रहने वाली। कुछ लोग मुझसे सबसे ज्यादा तो भैया 70 में मिल जाएगा, 60 में मिल जाएगा, 65 में मिल जाएगा, देखो मैं कट ऑफ मेरिट लिस्ट रैंक के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो मैं बनाऊंगा 3rd जुलाई के बाद, क्योंकि अभी मैं कुछ किसी को भी बोल दूंगा हाँ 60 में मिल जाएगा 70 में मिल जाएगा तो बिल्कुल सही नहीं होगा, पहले मैं देख लूँ सेकंड और थर्ड को लोगों का पेपर कैसे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं एनालाइज करके बताऊंगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ ऐसे थी कि 75+ के अराउंड लोगों को मिल गया था, तो इस ईयर अगर डिफिकल्ट है आ लोगों को डिफिकल्ट लगा, लेकिन मैं देखना चाहूँ सेकंड और थर्ड को जो लोग दे रहे हैं उनको कैसा लगता है, उसके बाद मैं कट ऑफ मेरिट लिस्ट कितनी कब क्या आती है, कब रिजल्ट आता है उसके बारे में बताने वाला हूँ, रैंक आपको कितनी चाहिए क्या सब, मैं आपको वो एक अलग से वीडियो आ जाएगी 3rd जुलाई के बाद, इवन 4 जुलाई को ही डाल दूंगा मैं, तो उसमें चिंता मत करो उनके लिए वीडियो आ जाएगी। देन या बाकी कुछ लोग मुझे डिफरेंट सेट्स होते हैं, सबको सेम क्वेश्चन नहीं मिलते, हाँ ऐसा नहीं लाइक लकीली आपके और आपके फ्रेंड को सेम मिल भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सेम ही मिले। तो या देन या यही सारे कॉमन डाउट थे। और जो लोग एनलैट के लिए अपेयर कर रहे हैं तो एनलैट में ऐसा एनलैट का पेपर भी ऐसा नहीं, मतलब डिफिकल्टी लेवल था उसका भी हाई था इस बार, जितना मेरे को पता चला उसमें 150 क्वेश्चन थे, तो लोगों ने अटेम्प्ट लाइक 100 to 110 ही कर पाए जितना मुझे पता चला, तो एनलैट का भी थोड़ा टफ तो आया था। तो या यही थी ये वीडियो, जितने भी मैंने सेक्शन वाइज टॉपिक्स वगैरह सब बताए, और जो जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है प्लीज अच्छे से समझना, थर्ड भी से 2 अटेम्प्ट और हैं, लाइक जो सबसे पहला अटेम्प्ट दे रहे हो या फिर लोगों का 1 अटेम्प्ट बचा तो अच्छे से करके आना, एंड मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट 5 ईयर पेपर से जो एक वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, बिल्कुल जरूर देख के जाना, ये जो जो टॉपिक अभी बताए जो आए हैं उनको फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एंड या ऑल द बेस्ट। आज मुझे पता है काफी लोगों का दिमाग खराब है, लेकिन देखते हैं सेकंड थर्ड को क्या होता है, फिर से बोलूंगा टेंशन मत लो, अगर आपका खराब गया सबका खराब गया, लिटरली सबका खराब जा रहा है, तो अब वही बोल रहा हूँ ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी, तो अभी टेंशन मत लो, रिजल्ट तक थोड़ा चल रहो अभी, इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, और मैं अभी वीडियोज बनाऊंगा रैंक कट ऑफ वगैरह की तो वो देख लेना,
ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। कुछ भी डाउट वाउट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दे, फिर आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो, तो मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ।